हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में अब तक हम पढ़ रहे थे स्टार गैलेक्सी एक्सपेरिमेंट, जिसके हमने 3 वीडियो में पूरा किया। और पिछले रिजल्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से उसमें था उन्होंने इंडिकेट वास मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में, मतलब फंडामेंटल और जो स्टार्टिंग होती है उसका स्टार्ट होता है। और आज के वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो किस प्रकार इंट्रोड्यूस हुआ, क्या क्या मुश्किलें हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने उसके योगदान दिया, किस प्रकार से क्या योगदान दिया, यही सब देखेंगे। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने स्टार गैलेक्सी एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है थ्योरी और इसमें उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने मिलता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रीवियस वीडियोज देखिए, स्टार गैलेक्सी एक्सपेरिमेंट और उससे भी पहले अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हिस्ट्री के साथ अगर अच्छे से जानना पढ़ना चाहते हैं तो उसका हमने पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखते हैं देखना चाहते हैं तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके और आप हमारे प्रीवियस वीडियोज पर डायरेक्ट मूव हो सकते हैं, वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन को स्पिन करवा के देखेंगे और स्पिन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन स्पिन का हिस्ट्री कैसा है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, यही सब सीखने में जरूरी है, क्योंकि पॉइंट समझ लेंगे तो पॉइंट याद रह जाएगा लेकिन उसके पीछे का स्टोरी किस प्रकार से इंट्रोड्यूस हुआ और वो रिलेट नहीं कर पाते दो चीजों को, पूरी एटॉमिक फिजिक्स को, इसलिए ये सब पढ़ना जरूरी है। तो इसके लिए आज का टॉपिक में हम उसके इलेक्ट्रॉन स्पिन है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे किस प्रकार से आया। तो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो जैसे कि हमने देखा था कि बोर मॉडल में फाइन स्ट्रक्चर आ रहा था जिसकी वजह से ही बोर मॉडल फेल हुआ। मेनली अगर माने तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को ठीक ठाक से एक्सप्लेन कर पाया था अपने समय में ठीक से, क्योंकि उसमें जो अपेरेटस थे वो हाई पावर रिजोल्यूशन पावर के नहीं थे, तो उसमें उनका गलती नहीं था, देख नहीं पाए, तो इसकी वजह से उन्होंने कर पाए थे। उसके बाद आए थे सोमरफील्ड में फाइन स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाए, एल्कीन उसके बाद तो एल्कीन वो थे, उनका स्ट्रक्चर समझना मुश्किल था। और उसके बाद 1915 में ये जीमान इफेक्ट है उसको भी देख लिया गया था, मतलब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है किस प्रकार से स्प्लिटिंग होता है, किस प्रकार से ऑर्बिटल्स है और लाइन स्पेक्ट्रा है वो और ज्यादा डिवाइड हो जाता है उसमें अलग अलग लाइट लाइन्स में। तो ये सब था इसी प्रकार। और अभी पिछले एक्सपेरिमेंट देखा स्टर्न गैलेक्सी एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें ये लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन के स्पिन पे रिजल्ट थे तो हमें स्प्लिटिंग मिल रही थी, नॉट स्प्लिटिंग जो डिफ्लेक्टेड लाइंस आ रही थी उसमें किस प्रकार से हमें उम्मीद क्या उम्मीद लगा के बैठे थे किस प्रकार से मिल रही थी और मिला हमें क्या था यही सब। तो इसका मेन रीजन था इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो जब इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 1925 में तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में बताने के लिए तो उनका जो नाम था वो था एस ए गॉडस्मिथ एंड एक था जी ई उलेनबेक। और उनका मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके जब इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पाया जाएगा एटॉमिक्स में न्यूक्लियस के चारों और कहीं पर भी तो उसका एक प्रॉपर्टी होगा कि उसके पास स्पिन होगा ही होगा, यानी इसको हम बोले तो इन
यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा, कहने का मतलब है कि, और उन्होंने जो देखा था इलेक्ट्रॉन को, उन्होंने माना था कि इलेक्ट्रॉन जब हम भी देखें वो क्या, अगर हम भी सोचें इलेक्ट्रॉन की आकृति क्या होगी, क्या किस प्रकार की शेप होगी, तो हमारे माइंड में भी क्या आता है, शायद गोलाकार होगा। दूसरी प्रकार उन्होंने वाला कि गोलाकार आता है और वो कुछ इस प्रकार से घूमता है, घूमने की वजह से उसमें क्या आता है, एंगुलर मूवमेंट आता है। तो उनके उनके उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे एक्स के चारों ओर घूमेगा, ये इसकी एक प्रॉपर्टी, अगर कहीं पर भी पाया जाएगा तो उसकी ये प्रॉपर्टी होगी ही होगी, वो स्पिन करेगा ही करेगा, ये मानना था उनका। और अगर ये करेगा घूमेगा तो इसकी वजह से, अगर हम इसके डायरेक्शन से अगर निकाले तो इसका वो निकलता है एंगुलर मोमेंटम, तो उन्होंने बोला। और उसको जो एंगुलर मोमेंटम था वो यहाँ पे जब हम पहले पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन मान रहे थे न्यूक्लियस के चारों इस प्रकार घूमता है, तो यहाँ पे हम ले रहे थे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हुआ, स्पिन, जो कि स्पिन होने के कारण जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इंट्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं स्पिन। तो ये एक उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये बताया उन्होंने साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था गोल्डस्मिथ और ओलंबेक साइंटिस्ट। और इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, और इससे एक फायदा भी था, इससे फायदा ये था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन स्पिन को इंट्रोड्यूस करें और उससे अगर सोल एक्सप्लेन करने की कोशिश करें जीमान इफेक्ट, और हमें जो पिछला एक्सपेरिमेंट था उसको एक्सप्लेन करें, ये सब एक्सप्लेन हो रहे थे सिर्फ। तो अगर हम सोचें तो आप भी सोचेंगे, अगर इसका साइंटिफिक प्रूफ ना मिले इलेक्ट्रॉन स्पिन है, और अगर उसका सीधा यूज करने से हमें फायदा, तो क्यों नहीं यूज करेंगे। लेकिन उस समय उन्होंने कुछ लोगों ने काफी मतलब लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया पब्लिक से, और साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें कमियां निकाली। क्या कमियां निकाली, कि उन्होंने बताया कि अगर ठीक है आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम का अगर मान रहे हैं तो वो क्या होगा, आई ओमेगा होना चाहिए। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को स्पिन गोलाकार माने शेप में ऐसे, तो यहां पे आई का वैल्यू क्या होगा, 2π, और एम आर स्क्वायर, और यहां पे आएगा ओमेगा। और उस टाइम यहाँ पे जो माना जाता था वो रेडियस का, मतलब किस टाइप का साइज, और उसका एटम का इलेक्ट्रॉन का साइज था वो अराउंड 10⁻¹⁶ के अराउंड माना जाता था। तो अगर हम इसका यूज कर ले वैल्यू रखें 2π एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 16 का करेंगे माइनस का, अपनी यहाँ पे एरिया हो जाएगा -13, और यहाँ पे मास देखें तो मास भी ऐसे कुछ अराउंड 13, तो ये वैल्यू जाती है अराउंड 10⁻¹⁶ के आसपास। और उसको, और दूसरी चीज, यहाँ पे जो एंगुलर वैल्यू मिल रही थी हमें, वो वैल्यू उसको बैलेंस करने के लिए, ये वैल्यू उस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए हमें क्या, जो एंगुलर उसका बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, इसका वैल्यू को इतना बदलना पड़ रहा था कि ये जो हमें वैल्यू मिल रही थी ये थी, उनको बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए इसका वैल्यू और एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू लेना था, वो लेना पड़ा था। वो जो लाइट होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उससे भी कई गुना ज्यादा लेना पड़ रही है। यानी हम जानते हैं कि कोई भी चीज है, कोई भी लाइट है, एनर्जी है, उसका वेलोसिटी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, लेकिन किसी पार्टिकल का इससे ज्यादा वेलोसिटी वैक्यूम में भी इतना होता है, तो अगर किसी मीडियम में कहीं पर भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इससे कई गुना ज्यादा लेनी पड़ रही थी। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी, मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे दोनों का इक्वलिटी नहीं आ रही थी, उसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों गड़बड़ा गया, इसकी वजह से उन्होंने ये रीजन देके उसको रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो अब क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ी, और इस फील्ड में आए
1929 में पॉल डायरेक, इनका पूरा नाम पॉल डायरेक, वो आए और उन्होंने बताया कि ठीक है, अगर इससे सब सॉल्यूशन हो रहा है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन को हम यूज लें, इससे हमारा काम सॉल्व हो रहा है, जीवन इफेक्ट है हमारे, जो स्टेन गैलिस एक्सपेरिमेंट वो एक्सप्लेन हो रहा है, माइन स्ट्रक्चर को तक जो एक्सप्लेन हो रही है, मदद मिल रही है, तो और आप इसका ये रीजन देख के एक्सप्लेन कर रहे हो कि मतलब यहाँ पे तो ये आई है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा है, उसका ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन आप क्या कर रहे हो, किसी मतलब हमारे, हम तो पार्टिकल है पृथ्वी को, पृथ्वी नहीं, लेकिन मान लीजिए इसी इसके सो को इसके मापने के लिए, इसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब मापने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसका एक छोटा सा पार्टिकल, बहुत छोटा, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे मतलब देखना भी बड़ा मुश्किल है, उसके लिए भी हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो आप इसको गलत मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन को गलत ठहरा रहे हो, यही आपका फॉर्मूला ही गलत हो, मतलब यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रॉन पे छोटे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल ना हो, ये देखे और उन्होंने बताया, और हालांकि ये सही भी था, इसकी वजह से अगर उन्होंने जब उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेस हो गया और इंट्रोड्यूस हुआ, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ चेंजेस किए इसमें, और उन्होंने रिलेटिविटी करेक्शन और वो था थ्योरी थी उसका यूज करके, क्या उन्होंने एनर्जी इज इक्वल टू लिया था टोटल एनर्जी, जहां की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हम लेते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस यू, यहाँ पे यू पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर को यहाँ पे एम स्क्वायर किया, मैं यहाँ पे वी स्क्वायर किया, एम स्क्वायर किया तो यहाँ पे डिवाइड आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला था, इसकी जगह उन्होंने क्या लिया, इसकी जगह उन्होंने लिया रूट एम नॉट सी फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे ये है तो पोटेंशियल एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी, ये लिया कहां से, ये था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो अब जब उन्होंने इसको श्रोडिंगर इक्वेशन से रख के इस वैल्यू को जब सॉल्व किया, तो उन्हें जो रिजल्ट मिला वो बिल्कुल सही था, और उससे ही हमें जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है उसे पते हैं, और इसके करेक्ट रहे सॉल्यूशन मिलता है। और इसे उन्होंने जो रिजल्ट मैंने मतलब इस इक्वेशन के सॉल्व करने के बाद उन्हें जो रिजल्ट मिले, उन्हें जो देखने को मिला वो बिल्कुल सही था, वो रिजल्ट एकदम करेक्ट आया, और इस प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन को, इलेक्ट्रॉन स्पिन को सही ठहराया। और उन्होंने इसके करने के बाद मतलब बताया कि और यानी क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज क्या करते हैं, मतलब यूज ऑफ आर मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अलग अलग, तो इनके लिए क्या करते हैं, उन्होंने बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स है और क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ यूज करेंगे, जब डस्ट पार्टिकल तक, मतलब छोटे जब तक, मतलब इतने बहुत स्मॉल छोटे पार्टिकल तक हम इसका क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम छोटे बहुत छोटे पार्टिकल जाएंगे 10^-10 लाइक दिस, उसके लिए हम यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स काम ही नहीं आती, जिस प्रकार यहाँ पे हमारा फेल हो गया था ओमेगा यूज किया था, उससे हमें गलत मिला था, तो उसके लिए वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स। और इसी प्रकार जब हम वेलोसिटी की बात करें, तो क्वांटम क्लासिकल वेलोसिटी है वो क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल्स के लिए वस्तुओं के एप्लीकेबल है जिनका वेलोसिटी कम हो, अगर हम किसी की वेलोसिटी मतलब लाइट की वेलोसिटी के पास में जा रही है, नजदीक जा रही है, यानी इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में देखें तो 10^ ये पूरा लिखा है तो 2.18 × 10^6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये क्या है लाइट के आसपास, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और अब इसमें क्या यूज किया गया, और इसमें इसके लिए एक
अलग यूज किया क्योंकि इसमें क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि एटम का क्या साइज इतना छोटा भी होता है और वेलोसिटी भी इसके बराबर होती है, तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो उसका नाम दिया रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविटी का भी और क्वांटम और उसके आधार पर उन्होंने रिजल्ट बताया। तो इस प्रकार हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन होता है उसकी थ्योरी होती है इंट्रोड्यूस। और इसमें ज्यादा कुछ याद रखने वाली है एक बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो, क्योंकि ये फॉर्मूला काम आएगा, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको मतलब हिस्ट्री पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन स्पिन है इसका क्वांटम नंबर और क्या होता है इसकी प्रॉपर्टीज ये सब देखेंगे किस प्रकार से, तो नेक्स्ट में मूव करेंगे तब, तो नेक्स्ट में यही सब देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे अभी से नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव होना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वीडियो रेडी होने के बाद में डाल दिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के आधार पर आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हम कमेंट कर सकते हैं। और मैं यही बोलूंगा कि ये वीडियो अगर आप देखते हैं देखने अच्छा रहेगा, लेकिन देखते हैं तो इसमें याद करने वाला स्पेशल कुछ है नहीं, ये सब स्टोरी है। तो स्टोरी अगर आप सुनते हैं तो हमारा क्या है कि किसी चीज को जानने में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अगर आप एक किसी कंसेप्ट को लेकर स्टोरी याद करते हैं तो कंसेप्ट को याद करने में आसानी होता है, कंसेप्ट के साथ हमारा जुड़ाव अच्छा हो जाता है, अच्छे से समझ में आता है। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं डायरेक्ट कंसेप्ट का मतलब ऐसे इंट्रोड्यूस कर देता कि इलेक्ट्रॉन स्पिन में ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, तो मतलब बैकग्राउंड का अगर तब तक स्टोरी नहीं पता चलता तो हमें वो इंटरेस्ट नहीं रहता, रुचि नहीं रहता। इसके लिए मैंने ये सब करा है, तो इसके लिए याद रखना कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी। तो आज का वीडियो को यही विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी प्रकार आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट लाते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे, नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे। और हमारा यही उम्मीद रहेगा, हमारा यही कोशिश रहेगा कि आपको कंसेप्ट है वो इजी तरीके से करके उसके साथ अलग अलग तरीकों से बता के और आपको कंसेप्ट के साथ जुड़ाव हो, आपको कंसेप्ट में समझने में आसानी हो, कंसेप्ट याद रहे, इसी के लिए यह हमारा मकसद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।